हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड साउंड वेर एवर यू आर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्दी। तो दोस्तों, हमने कनाडा में 3 साल कंप्लीट किया हुआ है एंड हमने कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए रिसेंटली अप्लाई किया हुआ है। गाइस, इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस। इट टेक्स अराउंड 1 ईयर स्टार्ट टू एंड टू गेट योर कैनेडियन सिटीजनशिप। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने के पहले हमें एलिजिबिलिटी चेक करना होता है, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन हमें एक्यूमुलेट करना होता है, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होता है। एंड अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, देन यू हैव टू टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रिंट आउट्स। तो इसके काफ़ी सारे चैलेंजेस है कि आपको टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन ढूंढने में, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में। एंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए, इट शुड मैच। ओके, तो गाइस, ये काफ़ी सारा जो प्रोसेस है, इसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, मनी सेविंग स्ट्रेटेजीज होंगी, डूज एंड डोंट्स होंगी, ये सब हम वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। सिंस कैनेडियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, वी विल डिवाइड इट इनटू मल्टीपल वीडियोस। एंड एज एंड व्हेन अवर कैनेडियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन प्रोग्रेसेस, हम उस स्टेज के लिए वो टाइम पे वीडियोस बनाया करेंगे। तो दोस्तों, इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू नो यू हैव टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट्स। तो दोस्तों, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द टॉपिक। सो गाइस, नाउ लेट्स लुक एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू बिकम अ कैनेडियन सिटीजन। First is you must have stayed in Canada for at least 1095 days, which is 3 years out of last 5 years. Second is you must be a permanent resident of Canada. Third, if you are required to pay taxes, then you should have paid your taxes and everything should be clear. Fourth, there should not be any outstanding cases against your name. And if you are imprisoned in the last 5 years, then that time does not count towards the 3 year time period which is required. Fourth is you must pass a Canadian citizenship test, but that comes at a later stage, not at this moment when you are applying. And fifth is that you must prove your language skills. So guys, we will look at each one of them in detail. So guys, now is the time for a pro tip. Okay, I have already told that Canadian citizenship ke liye aapka PR hona bahut zaruri hai. बट पी आर होने के बाद नॉट नेसेसरी यू हैव टू कम्प्लीट 3 ईयर्स ओनली। ऐसे कितने ही मेरे फ्रेंड्स होंगे जो यहाँ पे वर्क परमिट होल्डर्स होंगे, स्टूडेंट होंगे या कोई टेम्पररी रेसिडेंट होंगे, जिन्होंने कैनेडा में कुछ टाइम स्पेंड किया होगा पीआर बनने के पहले। ओके, तो जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो, तब आपका ये टाइम जो आपका नॉन पीआर टाइम है, दैट ऑल्सो गेट्स काउंटेड टूवर्ड्स कैनेडियन सिटीजनशिप। से फॉर एग्जाम्पल, ऐसा अगर कोई मेरा दोस्त है जिसने 2 साल कैनेडा में एज अ वर्क परमिट होल्डर स्पेंड किया है, तो पीआर होने के बाद योर 2 ईयर्स ऑफ वर्क परमिट होल्डर गेट्स काउंटेड टुवर्ड्स 1 ईयर ऑफ सिटीजनशिप। सो वट एवर ड्यूरेशन यू हैव स्पेंड इन कैनेडा अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर इज काउंटेड एज हाफ। बट ऐसा अगर कोई मेरा फ्रेंड है जिसने 3 साल एज अ वर्क परमिट होल्डर काम किया होगा, उसे भी 1 साल का ही टाइम दिया जाएगा। ओके, तो ऐसे लोगों को पीआर बनने के बाद दे कैन बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप आफ्टर 2 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट यू हैव स्पेंट इन कैनेडा। ओके, हाउ टू डिटरमाइन दैट। तो दोस्तों, आपको 3 साल कैनेडा में होना जरूरी है, और मान लीजिए कि पिछले 3 सालों में आप 6 मंथ्स के लिए कैनेडा से बाहर थे, US, इंडिया या कहीं और, फॉर जॉब और एनी अदर रीजन, इफ यू आर आउट ऑफ कैनेडा, देन दैट 3 ईयर पीरियड इज नॉट कंप्लीटेड, राइट? आपका टेक्निकली 2.5 ईयर्स ही आप कैनेडा में थे, ऐसा माना जाएगा। So in that case, you have to stay in Canada for another 6 months in order to be eligible for the 3 year time period. So overall, अगर आप देखोगे तो आपने कैनेडा में 3.5 साल बिताए, तब जाके आपका 3 साल काउंट होगा। So this is how you should calculate. तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसे फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर बोला जाता है। आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट इन टूडेज वीडियो, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, यहाँ पे आप क्या कैनेडा का एंट्री का डेट एंड एग्जिट का डेट यहां पे आप मेंशन करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका इन कैनेडा टाइम कितना है। एंड इफ इट क्रॉसेस 1095 डेज, विच इज 3 ईयर्स, इट विल टेल दैट यू आर एलिजिबल एंड यू हैव टू टेक दैट प्रिंट आउट। ओके, नाउ कमिंग टू द लैंग्वेज स्किल्स। जैसे कि आपको पता है कि यहां कैनेडा के 2 नेशनल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। एंड इफ यू आर अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज टिल 54 ईयर्स ऑफ एज, ऑन द डे यू साइन द एप्लीकेशन, you have to demonstrate ability of either English or French in your citizenship application. तो दोस्तों, अगर आपने IELTS दिया होगा
या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट दिया होगा, इवन दो इफ इट्स एक्सपायर्ड, बिकॉज हमने आईएल्स दिया था मोर देन 3-4 ईयर्स अगो व्हेन वी वर प्लानिंग टू कम टू कनाडा, राइट? आईएल्स का स्कोर वैलिड होता है सिर्फ 2 साल के लिए, बट यू कैन स्टिल अटैच दैट स्कोर, इवन दो इफ इट्स एक्सपायर्ड यू कैन स्टिल अटैच इट. तो दोज ऑफ माई फ्रेंड्स जो एज अ डिपेंडेंट आए थे टू द प्राइमरी एप्लीकेंट, जिन्होंने आईएल्स नहीं दिया है, दे कैन स्टिल शो देयर हाई स्कूल या कॉलेज degree certificate which states that they have studied in English. The medium of instruction was English or French. लेकिन अगर आप में से ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने IELTS या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया था अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे, एंड आपका एजुकेशन भी नॉन इंग्लिश नॉन फ्रेंच मीडियम में रहा है, वर्नैक्युलर मीडियम में रहा है, देन इन दैट केस यू विल हैव टू गिव IELTS और एनी अदर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज टेस्ट एंड यू विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ CLB 4. तो दोस्तों CLB 4 लाना एक कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है. ऑल दे वॉन्ट टू नो इज दैट योर कमांड इन इंग्लिश इज देयर, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू कैन फॉर्म बेसिक सेंटेंसेस, डे टू डे कन्वर्सेशंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड दैट्स द ओनली थिंग. यू नीड नॉट स्कोर CLB 9 और CLB 10, और यू शुड यू देर इज नो नीड टू शो अ हाई प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. इट्स जस्ट दैट यू नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश. तो दोस्तों अभी हमने देखा सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए नेसेसरी थे. अब हम जाके देखते हैं वेदर वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप ऑर नो. उसके लिए हम जाएंगे हमारे डेस्कटॉप पे. सो सी यू देयर. सो गाइस, दिस इज द URL टू चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन. यहाँ पे आपको बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको वो आंसर करना है एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू फाइंड इफ यू आर एलिजिबल. तो पहला क्वेश्चन हैव यू बीन अ परमानेंट रेसिडेंट फिजिकली बीन इन कैनेडा फॉर लास्ट 3 out of 5 years? यस. इन द लास्ट 5 years हैव यू बीन आउटसाइड ऑफ कैनेडा फॉर मोर देन टोटल ऑफ 730 days? नो. हैव कैनेडियन ऑफिशियल्स एडवाइज्ड यू टू लीव कैनेडा? नो. डज एनी ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू? दोस्तों ये ध्यान से पढ़ना है एंड आंसर अकॉर्डिंगली. सो आई विल जस्ट से नो फॉर नाउ. यू मे नीड टू हैव प्रूफ दैट यू नो इंग्लिश और फ्रेंच. विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब्स योर सिचुएशन? तो वी आर इन द एज ऑफ 18 to 54 एंड आई हैव प्रूफ दैट आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश और फ्रेंच. ओके. इन द पास्ट 5 years हैव यू बीन रिक्वायर्ड टू फाइल योर पर्सनल इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स रूल? येस. डिड यू फाइल योर पर्सनल इनकम टैक्सेस? येस. देन यू प्रोबेबली मीट द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप. तो दोस्तों इसके बाद हम जाएंगे फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर में, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा. एंड यू कैन गेट द एप्लीकेशन पैकेज फॉर एडल्ट्स. बट मान लो अगर इसमें से कोई आपका एक क्वेश्चन येस रहा है, देन वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा एंड देन इट सेज दैट यू मे नॉट बी दैट यू मे नॉट मीट वन और मोर रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ कैनेडियन सिटीजन. देन यू शुड वेट एंड वो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है उस बारे में. सो दिस इज हाउ यू यूज द एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर. बट गाइस ये एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर इज जस्ट अ एलिजिबिलिटी चेक. इसमें अगर आप एलिजिबल होते हो दैट डज नॉट गारंटी योर सिटीजनशिप और एनीथिंग. इट्स जस्ट दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. आपसे अगली बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर, उसको कैसे यूज करना है एंड अब उसका प्रिंट आउट वगैरह कैसे लेना है उस पर, एंड देन वील इवेंचुअली स्टार्ट विद द एप्लीकेशन प्रोसेस. तो गाइस वील मेक वीडियो ऑन ईच एंड एवरीथिंग. इफ यू लाइक द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो, आपको पता है क्या करना है. यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. ओके. सो गुड बाय, टेक केयर, मच लव.